हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अलग क्यों होने वाला है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगी, ये केवल और केवल गर्ल्स वुमेन और जो लेडीज़ हैं उनके लिए ही बेनिफिट देने वाला है ये वीडियो। लेकिन अगर कोई जेंट्स महानुभाव भाई जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हो सकता है अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, उनकी जो मदद है वो कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखा देती हूँ जिस चीज़ के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सी चीज़ है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसके बारे में आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को जान गए होंगे देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ इसको यूज़ कर रही हैं, एंड बहुत सारे लोग इसको अभी भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको ट्राई किया नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो उल्टी सीधी सुन ली होंगी। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो टैम्पोन होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, पैड्स यूज़ करने चाहिए, या कपड़ा यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। आपको एकदम से सटीक जानकारी जो है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये मेंस्ट्रुअल कप है, एंड जो भी लेडीज़ हैं उनको पीरियड्स के दौरान इसका जो काम है वो आता है, मतलब वो काम में इस चीज़ को ले सकती हैं पीरियड्स के दौरान। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको यूज़ करना चाहिए या आपको पैड्स को यूज़ करना चाहिए। मैं आपको दोनों के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पैड्स के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो कपड़ा, टैम्पॉन और पैड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। 90% जो पैड्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, चाहे आप टैम्पॉन ले लें या आप पैड्स ले लें, क्योंकि पैड्स बनाने की जो कंपनियाँ हैं बहुत ज़्यादा ऐड देती हैं, एंड हम उन सब चीज़ों में एकदम से भटक जाते हैं और हम बस उन्हीं ऐड के चक्कर में पड़ के और वो सारी जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने लगते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको बता दूं, जो पैड्स हैं या जो टैम्पॉन हैं, अगर टैम्पॉन की मैं बात करूं वो थोड़े से फिर भी कम प्लास्टिक से बने होते हैं, लेकिन जो पैड्स हैं वो 90% प्लास्टिक से बने होते हैं। और अगर एक बार का मैं सोचूं, जैसे कोई भी वुमेन है, कोई भी महिला है, पीरियड्स के दौरान अगर वो पैड यूज़ करती हैं, तो मान लीजिए उसका जो बजट है एक बार में, मान लीजिए एक महीने में वो 200 से 300 जो रुपए का पैड्स का पैकेट है वो लाती हैं, एंड वो उसको एक महीने यूज़ कर पाती हैं, एंड उसमें कम से कम 20 से 30 जो पैड है वो हर महीने यूज़ करती हैं, एंड आप 20 से 30 वन मंथ में यूज़ करती हैं, तो सोचिए आप 12 मंथ में कितने पैड्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। इसी तरीके आप सालों साल का ले लीजिए, क्योंकि जो भी वुमेन है, जो भी गर्ल्स हैं, 45 ईयर्स तक उनको जो पीरियड्स हैं वो आते ही हैं। तो जितना भी पीरियड्स का एक पूरा भंडार जो है, मान लीजिए आपके घर जितना जो भंडार है, जो कचरा है, वो इकट्ठा हो जाता है, एंड वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। साथ ही मान लीजिए 300 रुपये का बजट है, उस जो पैड्स का पैकेट है उसका 300 रुपये का बजट है, एंड अगर मैं अब यहाँ पे कप की बात करूँ, जो कप है वो 250, 300 से 500 की रेट में आता है, एंड इसके बाद इसकी जो लाइफ होती है वो मिनिमम 5 से 15 साल होती है, 5 साल से लेके 15 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ आप पैसे की अगर मैं बात रखूँ, तो पैसे के हिसाब से आप देखिए कि एक है जो वन मंथ में 300 रुपये का 200 से 300 रुपये खर्चा करवाता है, एक जो है जिसको हम 300 से 400 रुपये, क्योंकि ये 250 से 300 रुपये में आ जाता है, तो एक तरफ ऐसा है जो हम 250 से 300 रुपये रखते हैं और वो कम से कम 5 साल, 15 साल में नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मैं 5 साल ही ले रही हूँ, इसको 5 साल आप यूज़ कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि इसको 15 साल तक यूज़ कर सकते हैं फाइनली, लेकिन मैं 5 साल ही लेके चल रही हूँ, एक जो है वो 5 साल यूज़ कर सकते हैं उसी 300 रुपये में, एक जो है वो हर महीने, एक महीने का 300 लग रहा है। साथ ही साथ जितने भी आपने कचरा इकट्ठा किया है एक साल का या एक महीने का, वो आपको डस्टबिन में या वो आपके वायु प्रदूषण के लिए, मतलब जो भी आपका पर्यावरण है उसको दूषित करने में कितना ज़्यादा हाथ है ये जो पैड्स हैं इनका। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल कप है, ये आप एक बार लाएंगे,
5 साल तक आप इसको अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, आपके बजट में भी है एंड आपके पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेगा। साथ साथ में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी गर्ल्स हैं, सोचिए कि आप 45 ईयर्स तक कितने जो पैड्स हैं वो कितने पैसों की खरीद चुकी होंगी एंड कितना सारा जो टाल है, मतलब कितना सारा जो कचरा है वो इकट्ठा हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे जो कप है उसकी बात करूँ तो जो कप है वो एक लेडीज़ बस 5 से 6 कप जो है वो अपनी पूरी लाइफ में यूज़ कर सकती है, मतलब जब तक उसको पीरियड्स आते हैं 45 ईयर्स तक 5 से 6 बस इतना ही कप आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि कितना ज़्यादा कचरा जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, पैड का, टैम्पॉन का, जो कपड़े हैं उसका, एंड यहाँ पे एक तरफ कप का अगर मैं बोलूँ तो 5 से 6 कप जो है वो आप पूरी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा, अगर मैं पैड्स की बात करूं तो पैड्स जो हैं वो हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, साथ साथ में जो हमारा कप है वो इन्वायरमेंट में कोई भी उसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को कुछ भी उस पर उससे नुकसान नहीं हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं जो कप है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जो कप है अगर हम उसको अच्छे से वॉश करके अच्छी तरीके से उसको गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर है उससे वॉश नहीं करेंगे, अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी वर्जाइना जो है उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पैदा कर दे। क्योंकि जो आपका कप होता है वो एकदम से आप अच्छे से इंसर्ट करते हैं तो वो आपका अंदर ही जाता है एंड अगर आप उसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइजीन हो जाएगा तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको वॉश करना है, बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है इसको। एंड इसके बाद अगर मैं इसका एक और माइनस पॉइंट रखूँ तो ये मेड इन चाइना है, तो ये चीज़ जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि ये इंडिया का होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बस चाइना की वजह से ये मेरे दिमाग में थोड़ा सा खटक रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पैड्स की एंड कप की, तो अगर जो पैड है, अगर हम पैड को यूज़ करते हैं तो हमें जो कचरा है वो कहीं ना कहीं फेंकने जाना ही पड़ता है, बहुत ही संभाल के फेंकना पड़ता है, और जो हमारे कप हैं उनको बहुत ही ईजिली तरीके से हम वॉश करके दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये चीज़ सही है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको पैड्स में थोड़ी सी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़े, क्योंकि पैड्स जो है वो हर घंटे 2 घंटे में वे चेंज करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो आपका कप है वो मिनिमम आप इसको 12 घंटे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 4 से 5 घंटे में अगर आपका जो फ्लोइंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको 4 और 5 घंटे में चेक करके इसको वॉश करके दोबारा फिर से इजली तरीके से वेयर कर सकते हैं। लेकिन पैड्स जो हैं वो आपको बाहर ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपने बैग में कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जो कप है इसको आप इजली तरीके से किसी भी छोटे पर्स में, किसी भी बड़े पर्स में इजली तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में किसी के घर जा रहे हैं, किसी की ट्रैवलिंग, मतलब कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, आप इसको इजली तरीके से वेयर कर सकते हैं, इजली तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं, इजली तरीके से आप जहां भी वॉशरूम जाते हैं आराम से इसको वॉश करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों में आपने देख ली फ़र्क कि जो आप पैड यूज़ कर रहे हैं उनको आपको फेंकने जाना ही पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, लेकिन जो कप है उसको आपको फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको इजीली तरीके से इसको वॉश करके दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपको हैंड वॉश बहुत ही अच्छे से, चाहे आप इसको पहन रहे हो या आप इसको निकाल रहे हो, तो आपको हैंड वॉश बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, साथ ही वार्म वाटर से आपको कप जो है वो पूरी तरीके से साफ़ करना चाहिए। साथ ही इसका एक चीज़ और है कि इसको रखने के लिए मुझे जो इसके बॉक्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 5 से 6 मंथ जब मैंने इसको वियर किया तो हाँ, मुझे पैड्स की अपेक्षा जो कप है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा ये ओपिनियन है एंड अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।